हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पाव भाजी, बिल्कुल बॉम्बे चपाटी पे जैसी मिलती है, टेस्ट के जैसी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी पाव भाजी। सबसे पहले हम अपनी कुछ सब्जियों को उबालेंगे। गैस को ऑन कर रही हूँ। सब्जियों को उबालने से पाव भाजी बनाने में समय कम लगता है, वरना तो अगर हम कच्ची उधर पैन में पकाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है उसको घोटते घोटते। तो इसलिए पहले अपनी कुछ सब्जियों को उबाल लेंगे। एक टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। और ये 4 टमाटर को मैंने बारीक बारीक काटा है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 कप मैंने गाजर और मटर लिए हैं, इनको मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 4 आलू को मैंने ऐसे छोटा छोटा काटा है, ये कच्चे आलू हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 कप इसमें पानी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 4 विसिल लगाएंगे। 4 विसिल के बाद गैस बंद कर दूंगी और प्रेशर निकलने का वेट करूंगी, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। कुकर में 4 सीटी आ गई थी, मैंने बंद कर दिया था, अब इसका प्रेशर निकल गया है, अब इसको खोलेंगे। सब्जियां हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। पाव भाजी का मसाला मैंने इसमें उबालने में थोड़ा इसलिए डाला था कि सब सब्जियों के अंदर तक चला जाएगा, बाकी हम जब उसको भुनेंगे तब डालेंगे। चमचे से इसको थोड़ा घोट लेंगे, पोटैटो मैशर से इसको मैश कर लेंगे। अब भाजी की तैयारी करेंगे आगे की। गैस को ऑन कर रही हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। भाजी वैसे तो बटर में बनती है, लेकिन थोड़ा ऑयल डालने से पहले बटर हमारा जलता नहीं है। अब मैं इसमें ये 2 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। बटर गरम हो गया है। ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1.5 चम्मच ये मैं इसमें डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो खाली अदरक का पेस्ट डालें। ये मैंने 2 प्याज को, मीडियम साइज के 2 प्याज को बारीक बारीक काटा है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है, क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा भुन गया तो भाजी में घुटेगा नहीं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 1 हरी मिर्ची बारीक चॉप करी हुई डाल रही हूँ। प्याज हमारा गुलाबी हो गया है। ये मैंने 1 शिमला मिर्ची को बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। शिमला मिर्ची का फ्लेवर पाव भाजी में सबसे अच्छा आता है। मैंने इसमें गोभी नहीं डाली है, ना फूल गोभी डाली है, ना पत्ता गोभी डाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये दोनों चीज़ें नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आपको गोभी का फ्लेवर पसंद है तो डाल सकते हैं, फिर वो उबालने के समय पे ही आप डाल दें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। मसाले को बटर के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्ची और प्याज को मिक्स करते हुए इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें हमने जो सब्जियाँ उबाली थी वो ऐड करेंगे। अब इसको पोटैटो मैशर से थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे। सब्जियां जैसे बिल्कुल पता नहीं चले कि हमने इसमें कौन सी सब्जी यूज़ की है, इतना इसको मैश कर लेंगे। भाजी को धीमी धीमी गैस पे जितनी देर तक धीरे धीरे इसको मैश करते हुए पकाएंगे, उतना ही इसमें स्वाद आएगा। अब इस टाइम पे इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाली है मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। कसूरी मेथी ज़रूर डालें, उसका पाव भाजी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
भाजी हमारी अच्छी तरह मैश हो गई है। अब इसके रंग को भी बिल्कुल मार्केट जैसा बनाने के लिए एक पिंच इसमें मैं ये ऑरेंज रेड फूड कलर डाल रही हूँ। सभी लोग फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं मार्केट में, अगर आपको नहीं डालना है तो बेशक ना डालें। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो आप उबालते समय इसमें आधा बीटरूट डाल दें तो भी कलर इसका सुंदर आ जाता है, बट ज़्यादा सुंदर कलर तो फूड कलर से ही आता है। अब इसमें एक नींबू का जूस डाल रही हूँ। भाजी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करें, पतली ही रखें, क्योंकि जब हम पाव से लगाएं तो वो पाव एकदम से उससे गीला हो जाना चाहिए, इतनी कंसिस्टेंसी रखते हैं भाजी की। भाजी हमारी बनके तैयार है, अब मैं पाव सेकूंगी। ये देखिए ये मैंने दो पाव लिए हैं, इनको मैं इस तरफ से हाफ काट लूँगी। देखिए इस तरह से ये मैंने पाव काट लिया है, अब इसको तवे पे सेकूंगी। गैस ऑन कर रही हूँ, बटर डाल दिया मैंने, बिल्कुल ज़रा सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ इस पर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, और ये देखिए बिल्कुल आधा टीस्पून इसमें मैंने भाजी ली है। वो इसलिए कि जो हमारे वेंडर्स होते हैं बाहर, जो हमें पाव भाजी हम खाते हैं, वो लोग उसी तवे पे भाजी बनाते हैं और उसी तवे पे पाव सेकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही भाजी का फ्लेवर उसमें आ जाता है। अब घर पे तो हमने फ्रेश तवे पे सेके हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें पाव भाजी अपना मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हल्का सा पाव भाजी मसाला मैंने और इसके ऊपर डाला है और हमारे पाव सिक्के तैयार हैं। अब मैं इनको सर्व करूंगी। लीजिए बनके तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी पाव भाजी। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।